Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। अपने ही शेयर्स को खरीद लेना, ये सिस्टम कैसे काम करता है इसको आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सेक्शंस होंगे 67 से लेकर 70 तक। इन सभी सेक्शंस में बायबैक ऑफ शेयर्स की बात की गई है कि बायबैक करने के लिए क्या कोई कंपनी अलाउड है, अगर अलाउड है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, अगर बायबैक का कोई एक्सेप्शन है क्या, मींस कोई भी कंपनी अपने अंदर ही इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, उसका एक्सेप्शन है बायबैक, वो हम देखेंगे सेक्शन 67 और 68 के थ्रू। और उसके बाद में क्या प्रोहिबिशंस है, मतलब कि अगर कंपनी कोई गड़बड़ कर चुकी है इन द पास्ट, किस तरीके की गड़बड़ कर चुकी है जो उसको प्रोहिबिट करता है कि वो खुद के शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती है, इन सभी तमाम पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में विथ दिस वेरियस सेक्शंस जिनको हम कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों बायबैक का हम मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, बायबैक होता क्या है। अगर हम एक लिटरल मीनिंग देखें, बाय मतलब खरीदना और बैक मतलब फिर से, मींस जो शेयर्स मार्केट में इशू करके हमने शेयर होल्डर्स को दिए हैं क्योंकि उन्होंने हमको पैसा दिया है, तो कंपनी उन्हीं शेयर्स को वापस से खरीदने की कोशिश कर रही है। अब कुछ इमीडिएट क्वेश्चंस तो हमारे मन में कैसे उठते हैं कि आखिरकार कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों? क्योंकि उसे फंड्स की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया कि मार्केट में गई, लोगों को बोला कि प्लीज आप हमें फंड्स दीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे। ओके, मतलब कि जब फंड्स की जरूरत थी तो कंपनी मार्केट में जाकर उसने अपने हाथ फैलाए और लोगों ने उसकी हेल्प कर ली। अब इसका सिनेरियो पूरा हम उल्टा करते हैं, अगर हम इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझे तो आज कंपनी को फंड्स की जरूरत नहीं है, कंपनी कैश रिच कंपनी है, उसके पास में काफ़ी पैसा रखा हुआ है और उसके पास में और कोई दूसरे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है जहां पर उसे वहां जाके पैसा लगाना हो। सो कंपनी सोचती है कि व्हाट बेटर देन अस ओनली, मतलब कि हमसे अच्छा कौन है, हम खुद के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, वो जाके अनाउंसमेंट करती है कि हम हमारे खुद के शेयर्स खरीदने वाले हैं, तो जिन लोगों को हमारे शेयर्स जो होल्ड करते हैं उनको बेचना हो हमको ही, तो वो दे दीजिए। अब इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनका दिमाग क्या चलेगा, उनका ऐसा कहना होगा कि हम ये शेयर्स क्यों बेचें, अगर फ्यूचर में इसके ज़्यादा प्राइस मिलने वाला होगा तो हमें आज नुकसान हो जाएगा। सो कंपनी क्लियरली क्या करती है, जो बेसिक नीड है बायबैक की, जितना मार्केट प्राइस चल रहा है उस शेयर का उससे ज़्यादा प्राइस उन शेयर्स होल्डर्स को देती है। मतलब 300 रुपये का एक शेयर का प्राइस है तो कंपनी बोलेगी कि हम आपको 320 रुपये दे रहे हैं, आपने 300 रुपये में ख़रीदा था, आज उसकी वैल्यू 300 रुपये की है, लेट से आपने ख़रीदा था उसको 80 रुपये में, आज हम आपको 320 रुपये दे रहे हैं उसी चीज़ की। तो शेयर होल्डर उसको कंपेयर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए, शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स के लिए अलग अलग इफेक्ट हो सकता है, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और बायबैक का ऑफर क्या है। सो ये मैंने आपको बताया कि बायबैक का मतलब होता क्या है, बायबैक अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसके रीजंस हम डिटेल्ड में आगे देखने वाले हैं, बट बेसिक मीनिंग तो यही है, खुद के शेयर्स को मार्केट से खरीदना उसे बायबैक कहते हैं। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले सेक्शन नंबर 67। सेक्शन नंबर 67 जो है वो अपने आप में ये बात करता है कि क्या कोई भी कंपनी अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है क्या। तो सेक्शन 67 बोलता है नो, कोई भी कंपनी अनटिल अनलेस उसका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो, ये इफेक्ट जब तक नहीं आएगा कोई भी कंपनी अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। ये सेक्शन 67 का रूल है जो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, बट इसी रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कि हो सकता है कि कंपनी को हम अलाउ करें कि वो खुद के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप खुद के शेयर्स ही खरीद लीजिए, तो ऐसे सिनेरियोस क्या होंगे आइए देखते हैं। सो ये एक्सेप्शन देखने के पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा कि सेक्शन 67 का कहना है कि कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती अनलेस उसकी शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो। सही बात भी है, आपने बाहर वालों को दे रखा है, अब आपने वो शेयर्स खुद ने खरीद लिए, तो सही बात है ना, आपके शेयर जितने बाहर मार्केट में आउटस्टैंडिंग थे अब वो कम हो गए हैं, मेरे 3 लाख शेयर्स थे मार्केट के अंदर
और 10 रुपये का एक शेयर था, मतलब 30 लाख का मेरा शेयर कैपिटल था लेट्स से। अब मैंने डिसाइड किया कि 3 लाख में से 1 लाख शेयर्स मैं वापस मंगवाना चाहता हूँ, मंगवाना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद खरीदना चाहता हूँ। तो क्या मेरे शेयर कैपिटल 2 लाख की हो जानी चाहिए? यस, अगर 2 लाख की हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बायबैक अलाउड है। बट सेक्शन 67 का ग्राउंड रूल ये है कि बायबैक कोई कर ही नहीं सकता है। बट ऐसा हो सकता है कि बायबैक हम नहीं कर सकते हैं, तो चलिए किसी और से करवा लेते हैं। तो कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है हम नहीं करेंगे, दूसरों से करवा लेंगे। तो क्या ये अलाउड है? तो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंपनी खुद तो नहीं कर सकती है और साथ ही में वो किसी दूसरे पर्सन को फिनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दे सकती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। वो किसी और पर्सन को बोले कि आप हमारे शेयर्स खरीद लीजिए, दिस इज नॉट अलाउड, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्यों? अगर आप नहीं कर सकते तो आप इजीली जाएंगे दूसरी कंपनी फॉर्म करेंगे, किसी फॉर्म को बोलेंगे या किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे कि हम आपको पैसा देते हैं और आप हमारे शेयर्स को बायबैक कर लीजिए। तो बात तो एक ही हो गई, मैंने पैसा दे दिया, मेरा कैश जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो मैंने कंज्यूम कर लिया और मेरा शेयर कैपिटल भी कम हो गया। इस तरीके से क्या आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, यू कैन नॉट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सम अदर पर्सन टू बाय बैक योर कंपनीज शेयर। तो अलग अलग तरीके इसमें और क्या हो सकते हैं? आप फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते हैं, किस तरीके से? चाहे आप लोन गारंटी या सिक्योरिटी, उस पर्सन को आप लोन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं उसकी, या फिर उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं किसी और जगह पे, और आप उसको बोल रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के या फिर हमारी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लीजिए, ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस आप नहीं दे सकते हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ठीक है, आप नहीं कर सकते, किसी से करवा भी नहीं सकते, सेक्शन 67 हमने समझ लिया है। पर 67 के कोई एक्सेप्शन है क्या? बिल्कुल है एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। चारों एक्सेप्शंस क्या है आइए हम देखते हैं। मतलब कि इन 4 एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि जनरल ग्राउंड रूल बायबैक नॉट अलाउड बट एक्सेप्शन अलाउड। सबसे पहला एक्सेप्शन तो आपको ये याद होना चाहिए जो इसका 4th एक्सेप्शन है, दैट इज बायबैक इटसेल्फ। मतलब 67 का एक्सेप्शन क्या है? 68, और 68 बात करता है बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। इसके अलावा 3 अलग एक्सेप्शंस क्या है, लेट्स सी। सो सबसे पहला एक्सेप्शन होगा बाय बैंकिंग कंपनीज। कोई भी बैंकिंग कंपनी ये काम कर सकती है, यस, वो बायबैक कर सकती है, बैंकिंग कंपनीज को अलाउड है। दूसरा एक्सेप्शन है कि कोई भी स्कीम के अंडर जो स्पेशल रिजोल्यूशन है पास की गई है अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, वो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू पास की गई स्कीम के थ्रू आप बायबैक कर सकते हैं। 3rd एक्सेप्शन यहाँ पर है, एम्प्लॉयज़ वाला एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायरेक्टर्स एंड KMPs। अगर आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को लोन दे रहे हैं नॉट मोर देन 6 मंथ्स की सैलरी, तो वो भी अलाउड है। ये 4 एक्सेप्शन से जो आपको ध्यान देने हैं, 3 तो ठीक है, 4th एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन नंबर 68 बायबैक। तो वो हमको देखना होगा कि बायबैक 68 में अलाउ किया गया है, which is an exception to section 67. तो 68 में buyback कैसा होता है वो हम देखते हैं। बट आपको साथ में ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि redemption of preference share वो बहुत ही अलग चीज़ है, that is not buyback जैसा वाला काम, इसलिए redemption of preference shares unaffected है, that is a different thing. अब यहाँ पर हम चालू करते हैं सेक्शन 68। सेक्शन 68 का मतलब है कि बायबैक ऑफ शेयर्स इज अलाउड। सबसे पहला क्वेश्चन, बायबैक करने के लिए आपको पैसा तो देना पड़ेगा ना आपके शेयर होल्डर्स को। आप उनको कह रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे, आप आपके शेयर्स हमको दे दीजिए, वी आर बाइंग। तो बाइंग के लिए आपको पैसा कहाँ से आएगा, सोर्सेस क्या हो सकते हैं? तो सोर्सेस के लिए यहाँ पर एक्ट ये बोलता है कि आप सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं क्या, आपके पास में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अगर कोई पैसा रखा हुआ है आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप आपके फ्री रिजर्व्स यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप आपका फ्रेश इश्यू से जो पैसा आपको मिला है, आपने फ्रेश इश्यू ऑफ जो शेयर्स करे हैं उससे जो आपको पैसा मिला है, आप वो भी पैसा यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन है और कैच है, वो क्या है, लेट्स सी। वो कैच ये है दोस्तों कि आपने बोला फ्री रिजर्व्स, ओके, आपने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके, आपने कहा फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से जो पैसा आया है क्या वो भी यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट अगर सेम काइंड ऑफ शेयर्स जो है जिनका आप बायबैक कर रहे हैं उन्हीं का अगर आपने फ्रेश इशू किया है तो वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में लेट से 8% ऑफ इक्विटी शेयर्स,
ये क्लास के शेयर्स आपने इशू करें, नए नए शेयर्स 1 लाख, और उससे आपको 10 लाख रुपए मिले हैं। यही 10 लाख रुपए यूज़ करके आप 8% वाले शेयर्स को ही अगर आप बायबैक करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो तीनों सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, बट इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला, कंडीशंस क्या क्या होगी। कंडीशंस में आर्टिकल की परमिशन चाहिए, यस, AOA इज रिक्वायर्ड। क्या रिजोल्यूशन आपको चाहिए बायबैक के लिए, यस। आपको रिजोल्यूशन ना दो तरीके से निकालना होगा। अगर आप सिर्फ 10% बायबैक कर रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अगर आप 25% या 25% से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो 10% एंड 25% ऑफ वॉट, दिस परसेंटेज इज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इसको मिलाकर। अगर आप 10% तक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। एंड बोर्ड रिजोल्यूशन, हाँ, सर्कुलेशन की बात यहाँ पर नहीं चल रही है, बराबर आपको मीटिंग में आके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर आप 25% या उससे ज़्यादा बायबैक कर रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की हम बात करेंगे, इक्विटी शेयर का अगर आप बायबैक कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर मैक्सिमम 25% से ज़्यादा बायबैक आप नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो आगे आप देखेंगे प्रोहिबिशंस में, तो आप 12 मंथ्स के पीरियड में एक बार ही बायबैक कर सकते हैं। दैट टू अगर आप एक बार कर रहे हैं और इक्विटी शेयर का कर रहे हैं तो 25% से ज़्यादा आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस नहीं मंगवा सकते हैं। इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये कंडीशंस हमने अभी तक देख ली है, आगे देखते हैं और क्या है। अब दोस्तों, अगर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं उसके साथ में आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। उसके अंदर आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने होंगे, कितना अमाउंट आप बायबैक कर रहे हैं वो बताना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, रीज़न फॉर बायबैक, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी होगी। ये स्टेटमेंट जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ में। ये सब करने के बाद में आप कितनी भी चाहे इक्विटी मंगवा सकते हैं क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर सकते हैं क्या, नहीं। 25% एक फाइनेंशियल ईयर में है, ये कंडीशन तो हमको समझ में आ गई है, बट आफ्टर बायबैक आपका जो डेट और इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। मींस अगर आपकी 1000 करोड़ की इक्विटीज है तो आपको 2000 करोड़ का डेट होना चाहिए। इन शॉर्ट उनका कहना है कि आप इक्विटी बायबैक कर रहे हैं, इतना ही बायबैक करिए कि वो आपका 50% हो ऑफ योर डेट। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। जब हम डेट की बात कर रहे हैं तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों आ गया, और जब हम बात कर रहे हैं इक्विटी की तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स दोनों आ गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आपका फुल्ली पेड अप शेयर है तो ही आप उसको बायबैक कर पाएंगे। मतलब कि 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये ही आए हैं उसके अभी तक, 7 रुपीज़ ही पेड अप है अगर, तो आप नहीं उसको बायबैक कर सकते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल जितनी भी है आपकी, सिर्फ आप वही बायबैक कर पाएंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली है। अब दोस्तों अगली कंडीशन ये है, उनका कहना है कि स्पेशल रिजोल्यूशन आपने पास कर लिया तो क्या आप पूरी ज़िंदगी भर रिजोल्यूशन पास करके आप बायबैक करते रहेंगे क्या, कि कोई टाइम पीरियड है उस रिजोल्यूशन का। जब से रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर वैलिडिटी उसकी 1 ईयर की है। सो यू हैव टू फिनिश योर बायबैक फ्रॉम योर रिजोल्यूशन डेट इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आप उस बायबैक को ख़त्म कीजिए। अगर आपने नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको DR के अंदर, योर डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर, आपको रीजंस वहां पर मेंशन करने होंगे और आपको नया स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। सो अभी तक हमने ये कंडीशंस सारी देख ली है। हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि बायबैक के सोर्सेस क्या होंगे, और बायबैक का मतलब हम देख चुके हैं। सेक्शन 68 इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 67 इन इटसेल्फ, ये हमने देख लिया है। चलिए 68 को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं। आपने कहा बायबैक करेंगे तो बताओ ना पैसा कहाँ से लाओगे, कंडीशंस क्या है बताइए ना। अब अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि किससे खरीदोगे। आप खरीदने का बोल रहे हो तो एक बात तो हमको पता है कि जितने हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम हुम यू विल परचेज बाय बैक योर शेयर्स। तो पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कंपनी टेंडर निकाल सकती है, उन लोगों को बोलेगी 300 रुपये का शेयर है, 320 रुपये दे रहे हैं, आइए सरेंडर कीजिए, जाइए। सरेंडर मतलब बेच दीजिए, सरेंडर ऑफ शेयर्स वाला नहीं कह रहा हूँ। सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कोई भी कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद सकती है।
अगला पॉइंट, ओपन मार्केट में जाके वो खरीद सकती है, जैसे दूसरे शेयर होल्डर्स खरीदते हैं उसी तरीके से ओपन मार्केट में जाएगी, मतलब कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगी और अपने ही शेयर्स को खरीद लेगी, दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा किससे खरीद सकती है, अपने खुद के इम्प्लॉयज से, मतलब कि अपने ही इम्प्लॉयज़ को जो उसने शेयर्स बांट रखे हैं, अब उसको डाइल्यूशन कम करना है, सीधी सी बात है। बायबैक का मेन फोकस क्या है कि जो उसके शेयर कैपिटल में इतना डाइल्यूशन हो गया है, इतने लोग शेयर होल्डर्स बन चुके हैं, उसको खत्म करना है, कंपनी को वापस से अपनी जो स्टेक है उसको इंक्रीज करना है, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं रखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो वो बोलेगी अपनी इम्प्लॉयज़ को कि जितने इम्प्लॉयज़ के पास में शेयर्स हैं मैं उनको बोल रही हूँ 320 रुपये में खरीद दो, सभी इम्प्लॉयज़ के पास में ऑप्शन है, अगर वो हाँ करते हैं तो यस, ना करते हैं तो ओके। इस तरीके से तीन लोगों से, अलग अलग कैटेगरी से वो बायबैक कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर है फ्रॉम हुम बायबैक कैन टेक प्लेस। बट दोस्तों इसमें कैच क्या है, इसमें कैच ये है कि तीनों अलग अलग तरीके तो है, एक बायबैक के लिए ना एक ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन नॉट यूज़ डिफरेंट मेथड्स फॉर सिंगल बायबैक, आपको एक ही मेथड यूज़ करना होगा। ये हमने देखा फ्रॉम हुम वाली कैटेगरी में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पर डाउट मुझे ये हो रहा है कि कंपनी ने बायबैक किया, हो सकता है कि वो अपना कैश यूज़ कर रही है और अपने शेयर्स को कम करके अपने पास ला रही है, तो इसकी रिस्क तो है, तो एक डिक्लेरेशन लगता है, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंपनी को। बट ये डिक्लेरेशन कब दिया जाएगा, ये डिक्लेरेशन दिया जाएगा जब आपने बायबैक का रिजोल्यूशन पास कर दिया है बट बायबैक अभी हुआ नहीं है। सो ये डिक्लेरेशन आपको देना होगा आरओसी को, और अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी को भी देना पड़ेगा, जो दूसरा पॉइंट यहां पर हमने लिखा है। सो टोटल तीन बुलेट पॉइंट्स हमने यहां पर डिक्लेरेशन में देख लिए, पहले तो आप दीजिए कि एक साल में इंसॉल्वेंट नहीं होंगे आरओसी को, लिस्टेड है तो सेबी को भी दीजिए, साइन जाएंगे दो डायरेक्टर्स के, एक जिसके अंदर एमडी होना चाहिए। अब एक्सटिंक्शन की बात आती है, बायबैक के शेयर्स जो आपने करे हैं वो आपके पास में आ गए, 7 दिन के अंदर अंदर उनको उनका अस्तित्व खत्म कर दीजिए, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप उनको फिर से रीअलॉट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक्सटिंक्ट करना उनको ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट, क्या क्या प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, एक बार आपने बायबैक कर लिया ना तो ना आगे ना पीछे, इसका मतलब क्या है। पहला पॉइंट देखिए प्रोहिबिशंस में क्या है कि एक बार आपने बायबैक किया उसके बाद में आप आने वाले 12 महीने तक कोई भी बायबैक नहीं कर पाएंगे ऑफ द सेम काइंड, ये बात आपका ध्यान रखिए कि एक बार बायबैक करा 12 महीने के अंदर अब कोई बायबैक अलाउड नहीं है। और पीछे का मतलब क्या है, पीछे का मतलब यह है कि जिस कैटेगरी की आपने अभी बायबैक किया है उस सेम कैटेगरी की शेयर्स को आप फिर से फ्रेश इश्यू नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब अभी हमने 8% ऑफ इक्विटी शेयर का बायबैक किया और 6 महीने के बाद में हम एकदम से आ गए, 2 महीने बाद मैंने बोल दिया कि मैं फिर से सेम कैटेगरी ऑफ शेयर्स को फ्रेश इश्यू कर रहा हूं, नॉट पॉसिबल। तो जिस कैटेगरी को आपने बायबैक किया है ना आप उस कैटेगरी का पैसा यूज कर सकते हैं अगर आपने पहले उसको इशू किया हो। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कंडीशंस के अंदर, सोर्सेज ऑफ फंड्स में फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज हम यूज कर सकते हैं बट उसमें शर्त क्या है, सेम काइंड नहीं होना चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल जनवरी के अंदर मैंने 8% ऑफ इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, उससे 30 लाख रुपए मेरे पास में आए, क्या ये 30 लाख रुपए मैं यूज कर सकता हूँ फॉर द सेम काइंड बायबैक के लिए, नो। तो ये बात तो एक अलग हो गई, बायबैक मैंने कर लिया 8% ऑफ इक्विटी शेयर, क्या मैं आने वाले 6 महीने में वापस से फ्रेश इशू इसका कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये दोनों पॉइंट आप क्लियर रखिए, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, बाय वे ऑफ बोनस, बाय वे ऑफ SES यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, बाय वे ऑफ ESOPs या बाय वे ऑफ वॉरेंट, इन सब तरीके से अगर आप इशू करना चाहें कर सकते हैं, फ्रेश इशू आप नहीं कर सकते हैं। सो ये प्रोहिबिशन में आपको ध्यान रखना होगा इन बातों का। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 2 R के बारे में डिस्कशन करना है, पहला R है रजिस्टर का और दूसरा R है रिटर्न का। फॉर्म है SH10 और SH11। SH10 के अंदर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें आपको डेट ऑफ कैंसिलेशन लिखना है, जब डेट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट हुआ है वो भी आपको लिखना है, कौन सा क्लास ऑफ शेयर्स है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये सभी डिटेल आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जो है SH10।
उसके बाद में 11 में आपको मेंटेन करना होता है एक रिटर्न। तो रिटर्न ऑफ बायबैक आपको आरओसी को देना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर आप लिस्टेड है तो हमको पता है सेबी भी फोकस में आ जाएगा, उसको भी आपको भेजना पड़ेगा। इस तरीके से सेक्शन 68 हमने पूरा यहाँ पर समझ लिया है, क्या कंडीशंस होंगी, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे, प्रोहिबिशंस क्या है, एक्सटिंक्ट कैसे किया जा रहा है, किससे हमें बायबैक करना है और डिक्लेरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, क्या क्या हमको रजिस्टर और रिटर्न मेंटेन करना है, इस तरीके सेक्शन 68 हमारा यहाँ पर होता है। आइए डिस्कस करते हैं 69 और 70, 67, 68 हो गए, दो सेक्शंस हो गए, दो सेक्शन बचे हैं, बायबैक उसके बाद में हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट दीज टू सेक्शंस। अब दोस्तों सेक्शन 69 है, सेक्शन 69 का अगर आप नाम भी देखेंगे तो वो क्या है, उसका कहना है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम की एक चीज होती है जो आपको अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो एक रिजर्व बना रखा है, अगर आपने बायबैक ऑफ शेयर्स किया है तो आपको एक CRR रिजर्व क्रिएट करना होगा। उस CRR के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्या जाएगा, जितने शेयर्स आपने इशू करे हैं उनका नॉमिनल वैल्यू जो था, मतलब कि जो उनका रियल वैल्यू था 10 रुपये में जितना आपने इशू किया था, वो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से उतना अमाउंट आप CRR में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मतलब अगर आपका नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये और आपने 3 लाख शेयर्स को आपने बायबैक किया है तो आप 30 लाख रुपये आपको CRR में ट्रांसफ़र करने होंगे। ये CRR में जो पैसा रहेगा उसका क्या यूसेज रहेगा, CRR कैन बी यूज्ड फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए, आप जो बोनस इशू कर रहे हैं उसके लिए। सो ये बात तो हम समझ गए कि हम CRR में एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो नॉमिनल वैल्यू का है और उसको हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज भी कर रहे हैं, और वो सिर्फ यूज़ हो सकता है अमाउंट फॉर बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो सर आपने बताया नहीं कि CRR में हमको कब ट्रांसफ़र करना है। अगर आपका जो सोर्स है बायबैक का वो स्पा है, स्पा मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, या फिर फ्री रिजर्व्स है, अगर आपने इन दोनों से पैसा यूज़ करके बायबैक किया है तो फिर आपको CRR में डालना होगा। मतलब आपको CRR में कब डालने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज से आपने पैसा यूज़ करके बायबैक किया है, एंड दैट टू नॉट ऑफ द सेम काइंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर स्पा और FR से आपने फंड यूज करके बायबैक किया है तो नॉमिनल वैल्यू CRR में डाल दो, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर दो, और वो अमाउंट यूज होगा सिर्फ बोनस इशू के लिए, जो आप फुली पेड अप बोनस शेयर्स आप इशू करना चाहते हैं। सो ये था सेक्शन 69। आइए देखते हैं सेक्शन 70। सेक्शन 70 अगेन बात कर रहा है बायबैक करने के बाद में क्या क्या प्रोहिबिशंस आपके पास में है, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 68 में, तो अगेन अभी 70 फिर कौन से प्रोहिबिशन के बारे में बात कर रहा है। ये बता रहा है कि अगर आपने ऐसे ऐसे तरीके के इन कैटेगरीज के डिफ़ॉल्ट आपने कर रखे हैं तो फिर आपको बायबैक करना अलाउड ही नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या है वो प्रोहिबिशंस। सो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 70 जो प्रोहिबिशंस के बारे में बात कर रहा है उसमें टोटल 3 प्रोहिबिशंस हम देखने वाले हैं। पहला प्रोहिबिशन है डिफ़ॉल्ट का, यानी कि किसी भी कंपनी ने अगर DDD के अंदर डिफ़ॉल्ट किया है, DDD में क्या क्या आएगा, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है किसके अंदर, आपने डिफ़ॉल्ट किया है डिबेंचर्स के अंदर, आपने डिफ़ॉल्ट किया है डिविडेंड के अंदर, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है किसी भी डिपॉजिट्स के अंदर, इन DDD में अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, साथ में अगर आपने लोन रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, और फिफ्थ पॉइंट अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपने डिफ़ॉल्ट किया है, इन 5 चीज़ों में जिसमें 3 तो DDD है, इनमें अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है पास्ट में, बायबैक नॉट अलाउड। बट इसमें पॉइंट क्या है, अगर ये हादसा जो हुआ था डिफ़ॉल्ट का वो रेमेडीड है, मतलब कि उसको सही कर चुके हैं आप, अपनी गलती को सुधार चुके हैं, और उस बात को 3 साल हो चुकी है, मतलब कि 3 ईयर्स पुरानी वो बात है जब से आपने उसको रेमेडीफाई किया था, तो फिर आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, देन यू कैन डू बायबैक। ये हुआ पहला प्रोहिबिशन। दूसरा प्रोहिबिशन, सेक्शन 67 में हमने समझ लिया है कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती है, बट कुछ एक्सेप्शंस वहाँ पर है।
बट ये बात तो पक्की है कि कोई भी कंपनी फिनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दे सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर सेक्शन 70 बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू या अपने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी SC जो लिखा हुआ है उसके थ्रू अगर बायबैक करना चाहे तो नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ पर प्रोहिबिशन क्या है, नो कंपनी कैन मेक बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स थ्रू एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी। ये दूसरा प्रोहिबिशन है। तीसरा प्रोहिबिशन है चार सेक्शंस का। अगर इन चार सेक्शंस में आपने डिफॉल्ट कर रखा है ना, बाय गॉड आपको बायबैक करने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। वो चार सेक्शंस क्या है, आइए देखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला सेक्शन है, अगर आपने इन चारों को कंप्लाई नहीं किया है बराबर तो आपको बायबैक अलाउड नहीं होगा। पहला है 92, मतलब एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फर्निश करने में अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया है। दूसरा है 123, यानी कि डिविडेंड का, डिविडेंड में आपने कुछ गड़बड़ करी है। तीसरा है 129, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, प्रिपरेशन में अगर आपने प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है। एंड लास्ट 127, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में बात करता है कि 30 दिन में आपको डिविडेंड पे करना है। अगर इन चारों ही प्रोविजंस में आपने इनको कंप्लाई नहीं किया है तो बायबैक इज नॉट अलाउड एंड यू आर प्रोहिबिटेड। ये था सेक्शन 70 पूरी। अगर हम इस वीडियो की बात करें दोस्तों, चार सेक्शंस हमने यहाँ पर देखे हैं, 67, 68, 69 और 70। 67 ग्राउंड लेवल पे बात करता है कि बायबैक अलाउड नहीं है, एक्सेप्शंस उसने बताए। 68 वन ऑफ द एक्सेप्शंस है ऑफ सेक्शन 67 कि बायबैक यस यू कैन डू। 68 कहता है ये कंडीशंस आप फॉलो कीजिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स ये है, आफ्टर कंडीशंस ये है, प्रोहिबिशंस ये है। 69 ने हमको बताया कि आपको CRR मेंटेन करना होगा, नॉमिनल वैल्यू के लिए उतना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। और सेक्शन 70 ने बताया कि प्लीज अगर आपने ये पाप कर रखे हैं पास्ट में तो आप बिल्कुल भी बायबैक के बारे में सोचिए ही मत। सो दोस्तों, ये चारों सेक्शन से हमने बायबैक ऑफ शेयर्स अच्छे से समझ लिया है। अगर आप रिसेंटली एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, सो रीसेंट एग्जाम्पल्स में अभी अभी में विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा से बायबैक लाती है। 2017 में उसने बायबैक किया था, कुछ 11,000 करोड़ का उसने बायबैक किया था। और अभी रिसेंटली विप्रो ने वापस अनाउंसमेंट करी है कि वो बायबैक करने वाला है। तो इस बार भी वो 10,500 करोड़ का कुछ बायबैक करने वाला है, जिसमें 32.3 करोड़ शेयर्स हैं जो वो बायबैक करेगा। 325 रुपीज पर शेयर दे आर विलिंग टू पे। अब 2017 में भी किया था तो 2019 में अगर वो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 12 मंथ्स में एक बार ही कर सकते हैं तो अभी दे आर अलाउड। सो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसको करने का सिंपल सा एक रीज़न है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही वो बायबैक कर रहे हैं मतलब कि वो शेयर एप्रिसिएशन हो रहा है। क्यों, कैसे हो रहा है, देखिए मार्केट में जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है क्या वो कम हो जाएंगे, यस, क्योंकि कंपनी काफ़ी शेयर्स अपने खरीद लेगी। 32 करोड़ शेयर उन्होंने वापस खरीद लिए, खुद के पास में आ गए, मतलब कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट आर लेस नाउ, मतलब कि उनका EPS जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यस, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम करते हैं, तो डिनोमिनेटर अगर कम हुआ तो EPS बढ़ जाएगा। EPS बढ़ गया मतलब परफॉर्मेंस अच्छी दिखने लग जाएगी कंपनी की। कंपनीज बायबैक क्यों करती हैं, कैश रखा हुआ है, यूज़ करना है कर लो, रिटर्न दे दो अपने ही शेयर होल्डर्स को, मार्केट पोजीशन और अच्छी हो जाएगी। बायबैक जनरली एक अच्छा ऑफर साउंड होता है हमेशा, इन्वेस्टर्स को कंपनी की पोजीशन अच्छी लगती है, फ्यूचर में वो वापस से ही सोचते हैं कि हम कंपनी के अंदर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो वापस से जैसे ही बायबैक की न्यूज़ आती है तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। और ये क्यों करती है कंपनी जनरली, जब उनका शेयर्स अंडर वैल्यूड होते हैं तब। तो ये मैंने आपको रीजंस भी दे दिए, EPS को बढ़ाना, डाइल्यूशन कम करना, अपना स्टेक कंपनी में फिर से अच्छा करना, ये सब रीजंस हैं जब कंपनी ये सोचती है कि हम बायबैक करते हैं। सो दोस्तों, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, बेनिफिट बताए। अगर आप रिसेंटली देखेंगे कि और कौन सी कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है तो वो कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने अनाउंसमेंट किया है 1956 करोड़ अमाउंट का वो वहाँ पर करने वाले हैं कि इतना बायबैक वो करने वाले हैं, उसी के साथ में कुछ 950 पर शेयर का ऐसा कुछ अमाउंट है तो वो भी बायबैक कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने एग्जांपल्स, बेनिफिट्स, सेक्शंस,
प्रोविजंस, कंडीशंस, ये सब हमने यहाँ पर समझ लिया है। आई होप आपको ये चारों सेक्शंस के थ्रू बायबैक का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।